हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में टेम्परेचर ही सबसे ज़्यादा मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, सीमेंट हो, या कॉस्मेटिक हो, या कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर ही मेन पैरामीटर रहता है। आप लोगों ने भी टेम्परेचर रिलेटेड 1000 प्रॉब्लम अपने प्लांट में अटेंड की होगी कि सही नहीं दिख रहा है या फिर सेंसर को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। दोस्तों, टेम्परेचर का सिलेक्शन और इसका इंस्टॉलेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसमें बेसिकली दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट टाइप, सेकेंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। अब 80% इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट टाइप ही एप्लीकेशन होती है, तो हम कॉन्टैक्ट टाइप ही आज डिस्कस करेंगे। इसमें सेंसर डायरेक्ट प्रोसेस में इंसर्ट किया जाता है, जिसमें यह डायरेक्ट हीटिंग मीडिया जैसे लिक्विड या गैस के कॉन्टैक्ट में आता है और सेंसर को हीट कंडक्शन प्रोसेस से ट्रांसफ़र होती है, जिससे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। कॉन्टैक्ट टाइप एप्लीकेशन में मोस्टली प्रोसेस इंडस्ट्री में दो तरह के सेंसर यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आरटीडी, जिसको कमर्शियली PT100 भी बोलते हैं। इसमें सेंसिंग एलिमेंट प्लेटिनम होता है, यह मटेरियल निकल या कॉपर भी हो सकता है। सेकेंड वन इज़ थर्मोकोबल, इसमें भी कई तरह के टाइप्स हैं, जैसे JK RSD कुछ भी हो सकता है। इन सब में टेम्परेचर अलग अलग, टेम्परेचर जो रेंज है वो सब में अलग अलग होती है। सबसे पहले लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। ऑफकोर्स रेंज क्या लेनी है सबसे पहले आता है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस रेंज में आपका टेम्परेचर रहने वाला है। अगर टेम्परेचर 200 से 500 है तो RTD बेस्ट सूटेड है। इसमें सेंसिंग एलिमेंट जरूर स्पेसिफाई करें कि आप PT100 लेंगे या फिर निकल या कॉपर भी ले सकते हैं। मोस्टली PT100 ही सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें 0 से ऊपर 400 तक लिनियरिटी मिलती है। फिर 2 वायर 3 वायर है या सिंगल एक्स है, डुप्लेक्स है। अगर एप्लीकेशन क्रिटिकल है तो डुप्लेक्स, क्योंकि डाउन टाइम कम रखना है आपको। और अगर थ्री वायर सेलेक्ट करना है तो ऑटो कम्पेंसेशन भी मिल जाएगा। 300 से 1200 तक थर्मोकोबल ठीक रहता है। ये एक वाइड रेंज है, इसमें आपको टाइप सिलेक्शन से आप एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, JK RST टाइप वगैरह सेलेक्ट करके। अगला आता है RTD थर्मोकोबल लेंथ। इसमें इमर्शन लेंथ स्पेसिफाई की जाती है, ये जनरली टर्मिनल हेड के थ्रेड से टिप तक की लेंथ होती है। इसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे। फिर आता है प्रोसेस कनेक्शन, कि आपका जो RTD फ्लेंज कनेक्शन है तो फ्लेंज डायमेंशन देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ बोल्ट्स भी देने पड़ेंगे, ये वगैरह छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अगर थ्रेडेड कनेक्शन है तो साइज, टाइप ऑफ थ्रेड, फिटिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हम भूल जाते हैं अक्सर, वो है मटेरियल ऑफ थर्मोशीट, जिसको हम जनरली इग्नोर करते हैं। अब क्योंकि इसमें जो सेंसर होते हैं उनको फिजिकली हीटिंग मीडिया में इंसर्ट किया जाता है, तो इनको प्रोटेक्ट और विदस्टैंड करने के लिए सेंसर के ऊपर एक थर्मोशीट प्रोवाइड की जाती है, जिसका मटेरियल इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है जो प्रोसेस लिक्विड या गैस के साथ रिएक्ट ना करे और इजिली कॉरोगेटेड भी ना हो। जनरली थर्मोशीट एकोंडल, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील या कास्ट आयरन का हो सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक हीटिंग मीडिया है तो आपको इस तरह के मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो थर्मोशीट को अफेक्ट ना करे। इस मटेरियल के सिलेक्शन से सेंसर का टाइम कॉन्स्टेंट भी अफेक्ट होता है। जी हाँ, ये टाइम कॉन्स्टेंट कम है तो PID लूप फास्ट होगा, और अगर ये टाइम कॉन्स्टेंट ज़्यादा है तो PID लूप अनस्टेबल या ट्यून करने में हार्ड हो सकता है। अब ये टाइम कॉन्स्टेंट क्या है? टेम्परेचर सेंसर पर थर्मोशीट यूज करने से सबसे पहले उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। जैसे ही सेंसर को प्रोसेस में इंसर्ट किया जाता है, ये एकदम से सेंस नहीं करता। पहले इसकी आउटर शीट होती है, उसमें हीट फ्लो होती है जिससे रेजिस्टेंस ऑफर करता है। फिर शीट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हीट पहले अक्यूमुलेट करती है, फिर जाकर टेम्परेचर सेंसर को हीट ट्रांसफर होती है और सेंसर सेंस करना शुरू कर देता है। इस वजह से सेंसर का टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब जो डिले है, वो बढ़ जाता है। अल्टीमेटली कंट्रोल लूप का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। अगर वो टेम्परेचर सेंसर PID लूप में है तो आपको देखना है। सो मटेरियल सेलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ थर्मोशीट मटेरियल सेलेक्शन इज रॉन्ग, देन प्रोबेबली यू नीड टू रिप्लेस सेंसर फ्रिक्वेंटली, हेंस प्लांट डाउन टाइम इंक्रीजेस। सो टेक केयर दोस्तों। कोई भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट जब तक बढ़िया काम करता है, जब तक इसका इंस्टॉलेशन ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन रिलेटेड ही आती है, टेम्परेचर कम दिख रहा है, रेस्पॉन्स स्लो है, दीज आर ऑल इश्यूज रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन डन। RTD या थर्मोकोल जब भी प्रोक्योर करते हैं, इसमें इंसर्शन आपको इमर्शन लेंथ स्पेसिफाई की जाती है, यह टर्मिनल हेड से लेके टिप तक होती है। इसमें दूसरी लेंथ इंपॉर्टेंट वो होती है इंसर्शन लेंथ। सेंसर इंस्टॉलेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसका मतलब है प्रोसेस कनेक्शन में ये सेंसर में कितना अंदर तक डाला जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना रहता है कि इसका सेंसिटिव टिप पोर्शन हीटिंग मीडिया में डिप हो जाए। वैसे इन्फॉर्मेशन वेंडर कैटलॉग में प्रोवाइड किया जाता है,
जनरली ये सेंसिटिव जो टिप है पोर्शन है लिक्विड में 60 mm और गैस वेपर में 75 mm तक होती है। दूसरा कंडीशन ये रहता है कि पाइप या प्रोसेस में कितना अंदर डाला जाए। थंब रूल ये है कि पाइप की सेंटर लाइन तक, मतलब एक पाइप जिसका डाया डी है तो आपको आरटीडी या सेंसर जो थर्मोकोपल है सेंसर की इंसर्शन लाइन डी बाई टू रखनी पड़ेगी। इसी क्राइटेरिया से आरटीडी थर्मोकोपल की आपको लेंथ सेलेक्ट करनी चाहिए। इसका फंडा ये है कि गैसेस और लिक्विड जो है पाइप की सेंटर लाइन पर मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, पाइप वॉल चाहे इसके आसपास हीट पाइप मटेरियल में डिसिपेट हो जाती है, इसलिए करेक्ट रीडिंग नहीं आती। अगर सेंसर किसी रिएक्टर बॉयलर या वेसल में लगाना है तो वेसल के आईडी से हाफ होना चाहिए। और लोकेशन ऐसे सेलेक्ट करनी है कि किसी इंटरनल इक्विपमेंट जैसे हीटिंग कोयल हो गया, हीटर हो गया या फिर एजिटेटर हो गया को टच ना करे। और अगर वेसल बहुत बड़ा है तो कई सेंसर आपको लगाने पड़ेंगे और आपको एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और यदि हीटिंग मीडिया में सेंसर डायरेक्ट इंसर्ट करना अगर पॉसिबल नहीं है या फिर सिस्टम प्रेशराइज है जिसके कारण सेंसर रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है तो प्रोसेस में थर्मोवेल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कोई भी हीट कंडक्टर ऑयल वगैरह डाला जाता है, फिर सेंसर को डाला जाता है। अगेन थर्मोवेल की लेंथ मटेरियल थर्मोशीट के सिलेक्शन पहले बताए फंडे से सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्मोवेल के एडिशन से भी सेंसर का टाइम कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है जिससे पीआईडी लूप का रेस्पॉन्स टाइम अफेक्ट होगा। सो टेक केयर वाइल सेलेक्टिंग मटेरियल, इट मस्ट बी हाईली कंडक्टिव एज वेल एज इट कैन विदस्टैंड केमिकल रिएक्शन विद हीटिंग मीडिया। दोस्तों कई बार सिलरी या एब्रेसिव मटेरियल या डस्ट इन गैसेस के फ्लो के कारण सेंसर का जो शीत है वो या वेल एब्रेशन के कारण वियर आउट हो जाता है। इसी कारण वेल या सेंसर को फ्लो की डायरेक्शन में इंक्लाइंड इंसर्ट करना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप वर्टिकल इंसर्ट करेंगे तो एब्रेशन के कारण वियर टियर और बढ़ जाएगा, तो बेटर है आप इंक्लाइंड पोर्शन करें, फ्लो की डायरेक्शन में करें। अगर आपको पाइपलाइन में बेस्ट पॉइंट चाहिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो वो है पाइपलाइन में बेंड वाला पोर्शन जहाँ पाइप टर्न होता है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बेंड के कारण लिक्विड या गैस में एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है जिससे हीटिंग मीडिया मिक्स होकर एक एवरेज टेम्परेचर देता है। साथ ही मीडिया फ्लो भी एब्रेशन कम मीडिया फ्लो के कारण एब्रेशन भी कम से कम होता है क्योंकि आपका आरटीडी का टिप और जो है आपका फ्लो है वो एक डायरेक्शन में रहता है। अब बियरिंग के टेम्परेचर सेंसर में एक समस्या आती है, टर्मिनल हेड में लूज कनेक्शन की, ये होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से। इसके लिए आप बेस्ट है कि सेंसर विद एक्सटेंडेड केबल ही प्रोक्योर करें बजाय टर्मिनल हेड के। तो उसमें आप केबल लेंथ जरूर स्पेसिफाई करें कि कितना चाहिए, 5 मीटर 10 मीटर। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर कमेंट करें, अपने कलीग्स अपने सपोर्टर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें विद बेल आइकन को टच करके। थैंक यू, बाय बाय।